चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सम जो है उसमें बहुत सिंपल पॉइंट है। इफ़ 1 0 ऑफ अ पॉलीनोमियल 2x² माइनस 5x माइनस 2k+1, तो ये पॉलीनोमियल हमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं, इज द ट्वाइस देन द अदर, ट्वाइस देन अदर देन फाइंड आउट द बोथ जीरो। तो ये क्या बोला है कि दो जीरो जो है उसमें से एक जीरो है उसका ट्वाइस दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है फाइंड आउट द जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ के। दो चीज़ ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन में आप बोलोगे सर 2x² 5x और ब्रैकेट में 2k+1, तो ये तो बच्चे को अभी पता ही है कि इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, क्लियर है। और कोऑफिशिएंट ऑफ x² 2 बोला जाएगा, कोऑफिशिएंट ऑफ x वो 5 बोला जाएगा, क्लियर है। जाए आगे तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस, मतलब आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, तो आप बोलोगे सर कोऑफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस 5x का कोऑफिशिएंट माइनस 5x² का है 2, तो फाइनल आंसर 5/2, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते अल्फा इंटू बीटा, तो आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा बच्चा बहुत सिंपल होता है, तो आप बोलोगे कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास रेडी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2k-1, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर देते तो ज़्यादा क्लियर होगा। 2x² माइनस 5k, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2k-1 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। x² का कोऑफिशिएंट 2 है तो हमने यहाँ लिख दिया 2, और ये हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया बच्चा, अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे ही ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं लिखी। क्या नहीं लिखा, हमें ये दोनों को इक्वल करना है, तो आप बोलोगे सर एक कोई भी डबल ले लो, तो हम अल्फा को डबल ले रहे हैं, ऐसा बोला हुआ है 1 0 इज ट्वाइस देन अदर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। जैसे ही ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या करना है। तो बच्चा जैसे ही ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको वो क्लियर करना है, पहला पॉइंट जो है इसका यूज़ करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमने यूज़ किया 5/2, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। तो अल्फा जो है बच्चा आप बोलोगे ये 2 बीटा है सर, और ये बीटा ये हो गया, तो आप अल्फा की जगह 2 बीटा लिखा आपने, ये अल्फा की जगह 2 बीटा, ये बीटा एज इट इज़ ये 5/2, तो जैसे मैंने लिखा तो 3 बीटा हो जाएगा 5/2, बीटा इज इक्वल टू 5/2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 5/6। जैसे 5/6 मिल जाता है तो हमें बीटा मिल गया, जैसे बीटा मिलता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 है, तो आप बोलोगे सर ये बीटा जो होगा, बच्चा आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2, अभी आप बोलोगे अल्फा की जगह सर अल्फा लिखा, लेकिन बीटा की जगह हमने 5/6 लिख दिया, क्या लिखा बच्चा 5/6। तो जैसे ये मिलता है तो आप बोलोगे सर हम लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे 5/6, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बच्चा एलसीएम कितना होगा 6 और 2 का, तो आप बोलोगे सर देखो ऐसे लेना है बच्चा 6 एंड 2 का, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 6, कितना हो जाएगा बच्चा 6। जैसे 6 एलसीएम होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 15, यहाँ ऑलरेडी 6 है तो बच्चा हम लिखेंगे 5, तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा 10/6 जो होगा 5/3। तो आप बोलोगे सर जैसे 5/3 आ जाएगा आपका अल्फा एंड बीटा आ गया, तो जो क्वेश्चन था वो लिख दिया हमने, अल्फा इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 5/3 लिखेंगे और बीटा इज इक्वल टू आप बोलोगे 5/6, तो दोनों आंसर हमारे आ गए। अभी आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें इसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला स्टेप कंप्लीट, अभी आप बोलोगे सर दूसरा स्टेप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2k-1/2, यहाँ अल्फा की जगह बच्चा हम लिखेंगे कितना 5/3,
बीटा की जगह आप बोलोगे सर ये तो मल्टीप्लाई है, बीटा की जगह है 5/6। यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 2k जो था एज इट इज लिख दिया और डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो अब सीधा 25, यहाँ पे 18 और ये डिवीजन में, तो सामने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 2k-1, तो यहाँ हो गया 9। तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो बच्चा बहुत सिंपल है, इसको अभी जो दिया हुआ है इसको हम 25/9 इज इक्वल टू 2k-1, ये दोनों माइनस है। तो सिंपल तरीके से करते बच्चा, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, आप पहले इतना लिख लो प्रॉपर, उसके बाद आगे चलते। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको 25/9 इज इक्वल टू 2k-1। जैसे ये स्टेप आता है तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो 9 को सीधा मल्टीप्लिकेशन में ले जाते तो भी हो जाएगा, एलसीएम भी ले सकते हो। तो 25 यहाँ पे 9 लिया, यहाँ पे 2k-1 लिखा, 9 को मल्टीप्लाई 2k से 7 और 1 के साथ, तो यहाँ होगा बच्चा 18k और यहाँ पे 9k। तो आप लिखोगे 25+9, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा तो बच्चा कितना होगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे 18k। तो आप बोलोगे सर इसका टोटल करेंगे तो, क्योंकि कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 34, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 18 अपॉन में चला जाएगा और k इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे सर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हो सकता है बच्चा, तो ये 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17, तो k की वैल्यू हो जाएगी 17/9 इज इक्वल टू k। बस बच्चा ये सम था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन थोड़े लॉजिक क्लियर करने थे तो आपको ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर बच्चा लिख लो नोटबुक में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।